हेलो गाइस मैं प्रतिभा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वी डॉट बायोलॉजी में तो बच्चों आज हम क्लास इलेवन बायोलॉजी का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं आ, इस चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ और जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं तो वो वहाँ जाकर देख सकते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की Uh, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है वीडियो बिल्कुल शॉर्ट होगी और टू द पॉइंट होगी और मैं गारंटी देती हूँ इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स एड्स मीन्स क्या होता है बच्चों एड मीन्स होता है हेल्प ठीक है तो इस टॉपिक के अंदर हम वो टूल्स पढ़ेंगे जो टेक्सोनॉमी में हमारी हेल्प करते हैं ऐसा ही एक टूल है हर्बेरियम आपने शायद 11th क्लास में हरबेरियम शीट्स बनाई होंगी या आप ट्वेल्थ क्लास में बनाओगे तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कुछ शीट्स होती हैं उनको हरबेरियम शीट बोलते हैं इस शीट के ऊपर हम प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके यहाँ पर प्रिजर्व करते हैं ठीक है और फिर इन शीट्स को हम एक फ़ाइल में लगा देते हैं और उस फाइल को बोलते हैं हरबेरियम फाइल चूँकि एक हरबेरियम में हम प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ डेड प्लांट स्पेसिमेंस भी बोला जाता है अब आपके एनसीआर में एक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि वॉट इज द डायमेंशन ऑफ हर्बेरियम शीट तो ये होती है फोर्टी वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बाय ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर ठीक है अब एक चीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना देखिए हर्बेरियम में हम क्या कर रहे हैं हम प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व कर रहे हैं तो सपोज़ करिए आप एक प्लांट लेते हैं उसको ज़मीन से उखाड़ते हैं और उसको आप हर्बेरियम शीट पर माउंट कर देते हैं लेकिन ऐसा करने से होगा क्या क्योंकि प्लांट में क्या है मॉइस्चर मॉइस्चर की वजह से वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे और आपकी हर्बेरियम शीट खराब हो जाएगी तो इसलिए हर्बेरियम बनाते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी प्लांट स्पेसिमेन आपने लिया है वो अच्छे से ड्राइड हो फिर हम उसको प्रेस करते हैं और उसके बाद ही हम उसको प्रिजर्व करते हैं ठीक है अब हर्बेरियम शीट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो ये क्या है तो हर्बेरियम शीट पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है प्लांट के बारे में वो क्या क्या है उस पर कलेक्टर का नाम जिस व्यक्ति ने उस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है उसका नाम डेट ऑफ कलेक्शन लोकेलिटी जिस लोकेलिटी से उसको कलेक्ट किया गया है उसका नाम उस प्लांट का वर्नाकुलर या लोकल नेम क्या है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसका साइंटिफिक यानी कि बॉटनिकल नेम क्या है इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इसके अलावा उस प्लांट की क्या फैमिली है उसका नाम भी वहाँ पर होता है ठीक है तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर्बेरियम शीट पर मिल जाएगी हर्बेरियम को एक क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ भी बोला जाता है इस बात का क्या मतलब है चूंकि आपको किसी भी प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो तो आप तुरंत हर्बेरियम शीट खोलेंगे और आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ही मिल जाएगी इसीलिए टैक्स हर्बेरियम को टैक्सोनॉमी में क्विक रिफरल सिस्टम भी बोला जाता है बॉटनिकल गार्डन्स ठीक है तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दीज आर गार्डन्स ठीक है यहाँ पर प्लांट्स को सुरक्षित रखा जाता है और फिर हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी हम प्लांट्स को सुरक्षित रख रहे हैं और हर्बेरियम में भी हमने प्लांट्स को सुरक्षित रखा था तो हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन में क्या अंतर है देखिए हर्बेरियम में हमने डेड प्लांट को सुरक्षित रखा है ठीक है लेकिन बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर लिविंग प्लांट सुरक्षित रहते हैं ठीक है ठीके? अब आप किसी बॉटनिकल गार्डन गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम है उस पर कुछ लेबलिंग होती है कुछ लिखा रहता है तो उस पर क्या लिखा रहता है उस पर उस प्लांट का साइंटिफिक या बॉटनिकल नाम होता है और उसके अलावा उसकी फैमिली लिखी रहती है अब आपकी एन में तीन बॉटनिकल गार्डन के बारे में लिखा हुआ है और वो आपको याद रखना है एक है रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ पर है ये क्यू इंग्लैंड में है दिस इज़ द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड ओके ये आपको याद रखना है इंडिया में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये कोलकाता यानी यही वेस्ट बंगाल में है और ये लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया है इसके अलावा एक लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ठीक है ये तीनों बॉटनिकल गार्डन आपको पता होनी चाहिए और इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए अब है नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एट जूलॉजिकल पार्कस ये वही पार्क हैं जिन्हें हम जू के नाम से जानते हैं और यहाँ जाने के लिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ठीक है इनमें क्या होता है इनमें हमने देखा होगा कि लिविंग एनिमल्स होते हैं उनको हम अंडर प्रोटेक्शन अंडर ह्यूमन केयर और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं तो देखिए हमारे लिए तो क्या एम है मतलब जोलॉजिकल पार्क का हमारे लिए तो यह है कि हम रिक्रिएशन के लिए जाते हैं इन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं ठीक है लेकिन टेक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो जोलॉजिकल पार्क को एज अ टेक्सोनॉमिक एड यूज़ करते हैं क्यों कैसे वो उनकी फ़ूड हैबिट्स के बारे में स्टडी करते हैं उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं इसलिए जोलॉजिकल पार्क आर टेक्सोनॉमिक एड्स नेक्स्ट इज़ म्यूज़ियम तो म्यूज़ियम बच्चों ज़्यादातर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं आपने बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में उनके म्यूज़ियम देखे होंगे इसमें ना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों तरीके के स्पेसीमेंट रखे जाते हैं ठीक है और ये स्पेसीमेंट इन इनके वेट फॉर्म में भी हो सकते हैं और ड्राई फॉर्म में भी होते हैं ठीक है वेट जो स्पेसीमेंट्स होते हैं उसके लिए हम जार या कंटेनर्स का यूज़ करते हैं और हम एक प्रिजर्विंग सॉल्यूशन को इसमें डालते हैं ठीक है इस प्रिजर्विंग सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन सॉल्यूशन भी बोलते हैं ये क्या है ये एक वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है फॉर्मेलिटी का ठीक है इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व आर स्पेसिमेन इसके अलावा म्यूजियम में इंसेक्ट्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं इसके लिए उनका कलेक्शन होता है किलिंग होती है फिर उनको हम पिन करते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में ठीक है आपने बहुत सारे म्यूजियम में डायनासॉर्स के स्केलेटन्स दे, देखे होंगे है ना तो एनिमल स्केलेटन्स आर आल्सो प्रिजर्व इन म्यूजियम इसके अलावा म्यूजियम में एक और चीज़ होती है स्टफिंग ऑफ बिग एनिमल्स स्टफिंग में क्या होता है हम एनिमल्स की स्किन लेते हैं और फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं हम एनिमल स्किन के अंदर आ, रैक्स या कॉटन भर देते हैं और भी पोर्ट्रे दैम एज दे आर अलाइव ठीक है तो इतना कुछ म्यूजियम में आप देख सकते हैं सो दैट इज ऑल अबाउट द म्यूज़ियम की बच्चों की एक अलग ही तरीके का टेक्सोनोमिक एड है है ना ये ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज और उनकी डिसिमिलैरिटीज पर बेस्ड होता है इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं ठीक है एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स है हम बोल सकते हैं और हर एक स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लीड मैं रिपीट कर रही हूँ ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड ठीक है हर एक लीड के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स वन पेयर ठीक है और हर एक पेयर को हम क्या नाम देते हैं कपलेट देते हैं ठीक है और की को एनालिटिकल इन नेचर भी माना जाता है हमने की के बारे में अब इतना कुछ पढ़ लिया लेकिन ये समझने के लिए हमें थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा देखिए बच्चों यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है टस्ट प्लांट हैविंग डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स ठीक है तो ये एक स्टेटमेंट है और इसको हम बोलेंगे लीड अब इसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि प्लांट के पास डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते तो इस पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे कपलेट अब सम चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं सपोज़ करिए आपको एक प्लांट दे रखा है साइकस और आपको इसका ग्रुप पता करना है कि किस ग्रुप में आता है तो हम इसके लिए की की कैसे हेल्प लेंगे सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे डज प्लांट हैविंग डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स ठीक है ये एक लीड हो गई अब इसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि इस प्लांट के पास डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं और नहीं हो सकते चलिए हम मानते हैं कि इस प्लांट के पास डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं ठीक है तो ये कपलेट है यस और नो का अब यदि इसका आंसर यस है ठीक है तो हम आगे फिर एक लीड बनाएंगे कि डस प्लांट हैविंग स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू ये फिर से एक लीड है इसके भी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं नो और यस अब इस प्लांट के पास स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू हैं तो आगे फिर हम एक लीड बनाएंगे कि क्या ये प्लांट सीड्स प्रोड्यूस करता है या नहीं करता फिर से इसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे यानी कि कपलेट होगा नो no और यस yes का ठीक है सपोज करिए ये प्लांट सीड्स प्रोड्यूस करता है तो हमारी अब नेक्स्ट लीड होगी क्या ये सीड्स नेकेड है या नहीं फिर से इसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे हाँ इसके सीड्स नेकेड है नहीं इसके सीड्स नेकेड नहीं है तो हमको पता है कि साइकिल्स के सीड्स नेकेड होते हैं तो नेकेड सीड्स किस ग्रुप के प्लांट में पाए जाते हैं हमें पता है कि वो जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं तो इसका मतलब साइकस जिम्नोस्पर्म में आता है बच्चों इन टेक्सोनॉमिक एड्स के अलावा आपकी एनसीआरटी में तीन टेक्सोनॉमिक एड्स और दिए हैं पहला है फ्लोरा मैनुअल और मोनोग्राफ तो अब इनको समझते हैं फ्लोरा क्या है फ्लोरा एक बुक है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीशीज़ की लिस्ट होती है इससे हमें उस प्लांट के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है ठीक है अब है मैनुअल मैनुअल को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं देखिए आपने कभी वॉशिंग मशीन खरीदी है या टीवी खरीदी है या मिक्सर खरीदा तो उसके साथ आपने देखा होगा मैनुअल आता है उस मैनुअल में क्या रहता है उस मैनुअल में एक इन्फॉर्मेशन होती है कि उस मशीन को हमें कैसे यूज़ करना है सिमिलरली यहाँ पर मैनुअल इन्फॉर्मेशन है फॉर आइडेंटि आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ नेम ऑफ स्पीशीज़ ठीक है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो फ्लोरा है फ्लोरा में हमें पता चल रहा है हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन का और यहाँ पर इंफॉर्मेशन है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ ठीक है अब बच्चों मोनोग्राफ मोनो का मतलब आप जानते हैं वन ठीक है तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है केवल एक टेक्सॉन के बारे में मैं ये टेक्सॉन कोई भी हो सकता है किंगडम लेवल का भी हो सकता है और स्पीशीज लेवल का भी हो सकता है और इंटरमीडिएट लेवल भी हो सकते हैं जैसे सपोज करिए किसी बुक में केवल एक टेक्सॉन जैसे एनिमेलिया के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो वो एक मोनोग्राफ है सिमिलरली एक बुक है जिसमें इन्फॉर्मेशन है केवल एक जीनस पैंथिर के बारे में तो वो भी एक मोनोग्राफ है क्लियर आई थिंक बच्चों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और यदि आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगी तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर